गाइस छोटा भीम को लड्डू दिखता है तो वह लड्डू देखकर बहुत खुश हो जाता है। पर वह लड्डू आंटी ले जा रही होती है, तभी वह आंटी के पीछे पीछे जाता है लड्डू खाने के लिए। तो आंटी तेजी से चल रहे होते हैं, छोटा भीम भी उसके पीछे तेजी से चला जाता है। पर तभी उसके सामने भेड़ आ जाती है, भेड़ एकदम झुंड बना के आ रही होती है, तो वह धूल उड़ जाता है, धूल की वजह से उसको छींक आ जाती है और आंटी बहुत दूर निकल गई होती है। तो छोटा भीम आसपास देखता है तो उसे एक दो पेड़ों के बीच में कपड़ा लटका हुआ रहता है, तो वह उसे ग्लोथ बनाकर उड़ के पेड़ के ऊपर चला जाता है। पेड़ के ऊपर से वह खिसक कर नीचे आता है तो वह उसके पत्ते के ऊपर बैठ जाता है। तभी वह देखता है कि वो आंटी के लड्डू बंदर उठाकर ले गया है और वहाँ पर फल की टोकरी रख दिया। तो वहाँ बंदर के पीछे पीछे जाता है, बंदर पेड़ के ऊपर कूदता कूदता जा रहा है। तभी बंदर एक पेड़ पर रुके खाने लगता है लड्डू, तो छोटा भीम उसको चिढ़ाने लगता है, तो बंदर भी चिढ़ने लगता है। बंदर छोटा भीम उसको चिढ़ाने लगता है, बंदर भी उसके जैसी नकल करने लगता है। तो छोटा भीम उसे मुँह दिखाकर ऐसे करने कर देता है, तो वह लड्डू नीचे गिर जाते हैं और छोटा भीम उसे लेकर चला जाता है। छोटा भीम लड्डू खा रहा है, तभी उसके पूरे साथी हाथी हिरन खरगोश बाकी जितने भी साथी है वह सब देखकर उसके पास लड्डू खाने के लिए आते हैं। तो छोटा भीम उन सबको थोड़े थोड़े लड्डू दे देता है और वह सब लड्डू खाने लगते हैं। तभी वह देखता है कि एक और पेड़ झाड़ियों के पीछे से कुछ आ रहा है, तो वह उसे दिखता है कि वो तो गाय का बछड़ा है।